हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रखर और स्वागत है आप सभी का सपोर्टिंग वाला पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनोवेशन के बादशाह की एक न्यू इन्वेंशन की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला कार कंपनी के मालिक और स्पेसएक्स, जो कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है, उस कंपनी के मालिक हैं। तो वही इलॉन भाई टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल का चेंज लाने जा रहे हैं, या यूं कहें कि वे मैन को लगभग 10 सालों में आयरन मैन बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि इलॉन भाई ने एक ऐसा गैजेट बना लिया है जिसको हमारी खोपड़ी में सर्जरी के थ्रू डाला जाएगा और इस गैजेट का नाम है न्यूरालिंक। ये गैजेट देखने में कुछ ऐसा दिखता है एक चिप टाइप में। तो दोस्तों, इस चिप को ही हमारे दिमाग में एक सर्जरी के थ्रू डाला जाएगा। चूंकि ये बहुत ही हार्ड और बारीक सर्जरी है, तो इसके लिए कंपनी ने रोबोट्स भी तैयार करने शुरू कर दिए। वैसे तो इस चिप का ट्रायल पिग्स और मंकीज पर तो कर लिया गया है और ये ट्रायल काफी सफल भी रहा है। और अभी हाल ही में कंपनी को ह्यूमंस यानी कि हम आदमियों के ऊपर भी इसके ट्रायल की अनुमति मिल गई है। तो गाइस, अगर ये चिप हम ह्यूमंस के ब्रेन में भी सक्सेसफुली वर्क करती है तो ये एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो गाइस, अब तक तो हुई चिप के बारे में बातें, अब देख लेते हैं कि इसका हम लोग फ्यूचर में कैसे यूज करने वाले हैं। तो गाइस, कंपनी का मानना है कि हम इस चिप के थ्रू उन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो कि माइंड से रिलेटेड है, जैसे कि लकवा हो गया, जिसको हम लोग पैरालिसिस भी बोलते हैं, या कोई अन्य बॉडी पार्ट्स जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चिप उन सभी पार्ट्स को फिर से काम करने के काबिल बना देगी। तो गाइस, जब कभी भी हमारा कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता है तो ऐसे में होता क्या है कि हमारा दिमाग उन सभी पार्ट्स को निग्लेक्ट करता रहता है, यानी कि उन पार्ट्स तक सक्सेसफुली सिग्नल्स नहीं भेज पाता है कि तुम्हें अब चलना है या उठना है या क्या करना है क्या नहीं करना। या तो फिर ये भी हो सकता है कि माइंड सिग्नल्स भेजता हो पर वो पार्ट सिग्नल्स को कैप्चर नहीं कर पाता हो। तो इस कंडीशन में ये जो चिप है उन सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करेगी। इसके अलावा इसमें अन्य बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमारे माइंड को डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी का तो यहाँ तक भी दावा है कि हम इन गैजेट्स को बिना टच किए एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी का मानना है कि वो नेक्स्ट ईयर तक इस चिप को सक्सेसफुली अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के उपचार में भी उपयोग करने लगेंगे। वेल गाइस, फ्यूचर में देखने वाली बात तो ये होगी कि ये कब मार्केट में आने लगेगी और इनका सही उपयोग हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब आप आ ही गए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।